वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ। स्टूडेंट, आज मैं आपको डेसिमल के बारे में बताऊंगा। ये देखिए क्लास सिक्स है, डेसिमल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डेसिमल के बारे में देखिए ये है, डेसिमल का मतलब ये है कि मेन चीज डेसिमल का है कि कोई भी चीज जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना है डिवाइड करना है जो भी करना है सभी को अकॉर्डिंग फार्मूला हम जोड़ते घटाते चले जाते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें जोड़ना घटाना है, इस पर देखिए कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड लेंथ इज 35 मीटर एंड ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड, ये रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी एंड डी, ये रेक्टेंगुलर फील्ड इसकी जो लेंथ है ये 35 मीटर और ब्रेथ जो इसका है, ब्रेथ ब्रेथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है लेकिन दोनों दो यूनिट में, अगर दोनों दो यूनिट में रहेंगे तो दोनों यूनिट को हम एक यूनिट में बनाएंगे। अब एक यूनिट में बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला होना चाहिए, लेंथ इज इक्वल टू 35 मीटर और ब्रेथ इसका है 25 सेंटीमीटर। अब इसमें चाहे मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए। तो चलिए देखिए, अगर हम मीटर को रहने दें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है, वन मीन्स 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर, कितने को चेंज करना है 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 अपॉन 100 मीन्स 25 चौका 100 मीन्स 1 अपॉन 4 मीटर। स्टूडेंट, कभी कभी ये होता है कि अगर इसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं तो भी सही रहता है और डेसिमल नहीं चेंज करेंगे तो भी सही रहता है, लेकिन सॉल्व करने का मेथड सही होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे, 0.1 लगाए 0 बढ़ गया, 4 2 8 4 5 20 कितना मीटर आ गया ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ दोनों की यूनिट सेम हो गई, लेंथ और ब्रेथ दोनों की यूनिट सेम हो गई। जब दोनों की यूनिट सेम हो गई तो हम दोनों निकाल सकते हैं, पहले एरिया रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इनटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इनटू बी होता है। तो इसका लेंथ कितना है 35 और ब्रेथ कितना है 0.25। अब देखिए इसमें डेसिमल है, अब डेसिमल का छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई नहीं आता, ऐसे लिख ले 35 को
25 कैरी 2 हो गया, लिखते जाइए कैरी, और 5 थ्री जा 15, 15 प्लस 2 17, फिर 2 से 2 5 जा 10, 2 थ्री जा 6, 2 थ्री जा 6 प्लस 1 ये हो जाएगा 7। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 5 7 8, दो पर डिजिट लगा दीजिए 8.75, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.75 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई इसकी एरिया। अब देखिए ये डेसिमल में आया, अब डेसिमल में इसको नाप भी सकते हैं, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर आसानी से हम नाप सकते हैं। जब यूनिट एक में आती है तो उसको हमें नापने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर यूनिट अलग अलग हो जाती है तो दोनों को दोनों यूनिट में नाप करके फिर बदलना पड़ता है, बदल करके फिर जोड़ना पड़ता है। तो ये क्या है, अब ऐसे देखिए पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर आप रेक्टेंगल इजिक्वल, तो ये होता है 2 × L + B, 2 × L + B ये फार्मूला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दो लेंथ होती है और दो ब्रेथ होती है। ये देखिए एक लेंथ, एक ब्रेथ है, दो लेंथ हो जाए और दो ब्रेथ हो जाती है, और दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसका पेरीमीटर मीन्स चारों तरफ की नाप आ जाती है। तो देखिए वैल्यू इसमें कितना है, 2 × L की वैल्यू है 35 और इसकी वैल्यू है 0.25। स्टूडेंट ये भी आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये देखिए 35.00 लिख दिया गया और पॉइंट नीचे पॉइंट लगेगा और 25 यहाँ ऐड कर दिया, तो इधर नहीं कुछ है 0.00 लिख सकते हो, तो 5 2 पॉइंट ये हो जाएगा 35.25 आ गया। इसका आंसर आंसर नहीं आया 35.25। अब इसके बाद 2 से हम मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 2 × 10, 2 × 4 = 5 और 2 × 10, 2 × 6 = 7, 2 × 0.25 लगा दीजिए इतना सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए कोई रस्सी लेना है, किसी को रस्सी लेना है या हमें ऐसे चारों तरफ से एक रस्सी लेकर के तार से घिरवाना है और ये दिया है रस्सी, जब हम लेने जाएंगे तो एक मीटर सेंटीमीटर में नहीं है, इसमें आ गया मीटर, इतना मीटर है पेरीमीटर, तो और रस्सी लेने गए एक मीटर का दाम है 8 रुपया 25 पैसा, और कितना लेना है हमें 70.50 लेना है, तो ज्यादा है ज्यादा हमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8.25 × 70.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अमाउंट आएगा और अमाउंट जितना आएगा वही उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। अब देखिए अमाउंट कितना आता है, तो ये 70.5 और ये हो जाएगा 8.25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 25, 5 × 2 = 35, 2 × 6 = 10, 2 × 0 = 1, 2 × 7 = 14, 8 × 2 = 40, 8 × 0 = 4, 8 × 7 = 56, जोड़ लीजिए 5 2 5 6 4 4 8 3 11 6 7 8 5 और 3 1 2 3, ये देखिए 500 मीन्स 62 पैसे कितना रुपया उस रस्सी का आप देंगे। तो स्टूडेंट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे पॉइंट का, तो आप डेसिमल का विशेष ध्यान दीजिए और डेसिमल में उसको सॉल्व करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।